वेल गाइस, तो फाइनली WWE के इस हफ्ते का स्मैकडाउन ओवर हो चुका है और आज यहां पर WWE के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर वाइपर रैंडी ऑटम एक्शन में देखने को मिले, जो यहां पर आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट के ऊपर जिमी उसो को वन ऑन वन मैच में फेस करते गए। और बात करें अगर यहां पर आज स्मैकडाउन के मेन इवेंट की, तो गाइस आज यहां पर स्मैकडाउन के ऊपर वैसे तो जिमी उसो और रैंडी ऑटम का ये मैच काफ़ी शानदार चल रहा होता है, बट गाइस यही मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर मैच के अंदर सोलो सकुआ इंटरफियर करते गए, जिसके बाद कि एले नाइट रिंग साइड एरिया पर आके सोलो सकुआ के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज इसके बाद फाइनली रैंडी ऑटम के आरकेओ के साथ रैंडी ऑटम इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद एले नाइट रिंग के अंदर आ ही रहे होते गए, तभी रोमन रेंग्स पीछे से एले नाइट पर अटैक कर देते गए। और इसके बाद रोमन रेंग्स यहां पर रिंग के अंदर आके रैंडी ऑटम पर अटैक करने की कोशिश करते गए, बट गाइज यहां पर रोमन रेंग्स के रैंडी ऑटम पर अटैक करने के बाद सडनली यहां पर एले नाइट रिंग के अंदर आकर रैंडी ऑटम को सेव करने लगते गए। और गाइस तभी सडनली अरीना के अंदर एजे स्टाइल का म्यूजिक प्ले होता है, जिसके बाद कि एजे स्टाइल रिंग साइड एरिया पर आके सडनली यहां पर एले नाइट के ऊपर अटैक कर देते गए। और स्मैकडाउन पर एजे स्टाइल के रिटर्न के ऊपर आज यहां पर एजे स्टाइल ने उनका हील टर्न कर दिया है, जहां पर एजे स्टाइल की मदद से ब्लड लाइन यहां पर रैंडी ऑटम और एले नाइट दोनों को पेल देती गए। और गाइस एजे स्टाइल WWE पर रिटर्न तो कर चुके गए, बट इस बार WWE के अंदर